इस वीडियो से हम जानेंगे कि आलू के कोड़ाई से पहले पौधों के तनों को काटना क्यों जरूरी है। दीदी, आलू के पौधा हल्का पीला पड़े लगा, एकर मतलब कि अब 12-14 दिन में आलू कोरे वाला हो जाते, माने खाने वाला हो जाए। अब पहला काम ये करेला है कि खेत में अब सिंचाई रोक देवेला है, ताकि खेत की मिट्टी अच्छा तरह से सूख जाए और आलू खाने के लिए 12-14 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाए। अच्छा भैया, अब दूसरा काम यह है दीदी कि आलू के पौधा के मिट्टी से सटा के काट के हटा देवेला है। आलू के पौधा काटला से फसल बिल्कुल ना खराब होते, ऐसे बहुत तरह के फायदा है यहाँ के। आलू के आखिरी समय में तना के जरिए आलू में जो रोग लग जाइए, वो आलू के साथ साथ अगला समय तक बनल रहिए। यही खातिर दीदी, आलू के खाने से 12-14 दिन पहले तना काट के हटाएल जाए छाई, कि तना के जरिए आलू में वो रोग प्रवेश न कर सके। अच्छा भैया। दीदी, दूसरा लाभ यह है कि आलू के खाने से 12-14 दिन पहले डांटी काटे से आलू के छिलका भी मोटा होइए और जल्दी सरे गले के संभावना न रहिए। दीदी, अइ तरह से तैयार कैल गेल आलू घर में भी लंबा दिन तक ले स्टोरेज कर सकै छी, माने रख सकै छी तो सुरक्षित रहत, आ कोल्ड स्टोरेज में रखम तो वहाँ भी लंबा समय तक सुरक्षित रहते। ऐसा आलू के मार्केट में मांग भी ज़्यादा रहिए और सही समय पर बेचे से दाम भी अधिक मिलेगी। ये आलू के डांट के काटबई, एकरा जे है दीदी यहाँ चारा के रूप में भी मवेशी के खिला सक छी और एकरा कंपोस्ट भी तैयार करे के काम में ला सक छी। इतना सटाए के जड़ी से काटे छी? हाँ, जड़िए से काटल जाए थे दीदी।